नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। औरैया से शहर के संयुक्त चिकित्सालय में पिछले 6 वर्षों से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी थी, जिसे शुरू कराए जाने के लिए कई प्रयास किए गए मगर किसी को इसमें सफलता हासिल नहीं लग सकी। वही नवायुक्त CMS के आने के उपरांत नई सुविधा शनिवार से प्रारंभ कर दी गई है। शहर के 50 संयुक्त जिला अस्पताल में अब मरीजों को ₹1 भुगतान करके अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता ने देते हुए बताया है कि जब उन्होंने संयुक्त चिकित्सालय का चार्ज ग्रहण किया तो उन्होंने अस्पताल के बारे में जानकारी हासिल की तो उन्हें मालूम पड़ा कि यहां बीते 6 वर्षों से अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं हो रही है, जिसमें से उन्होंने शासन को पत्र लिखकर शीघ्र शुरू कराए जाने की अनुमति की मांग की है, जिसे प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलने के उपरांत शनिवार को संयुक्त चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। प्रथम दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा होते ही आधा दर्जन से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। मरीजों का कहना है कि पहले उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए निजी अस्पताल को धनराशि देनी पड़ती थी, मगर अब यह अस्पताल में सुविधा प्रारंभ होने से इन्हें राहत मिली है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या ये जानकारी जो है ये कैसी है? सही जानकारी आपको, मैंने आते ही यहाँ पे देखा का था कि एक मशीन पड़ी हुई है, बहुत साल से बंद पड़ी हुई है, तो उसको ठीक कराया गया। उसके बाद फिर सीमा साहब हमारी जो है डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव जी ने काफ़ी सहयोग किया, उन्होंने 2 डॉक्टर को हमारे पास संबद्ध किया है इस कार्य के लिए। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर रत्नाकर जी, वो शनिवार को करेंगे, और एक दूसरे हैं अमितेश जी, वो प्रतिदिन उनको कहा गया है करने को कि वो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे करेंगे। अल्ट्रासाउंड के लिए सर क्या मरीजों से कुछ शुल्क भी लिया जाएगा क्या? नहीं, ये पूर्णतः निःशुल्क है, ₹1 की पर्ची पे ही। अभी तक कितने मरीजों का अल्ट्रासाउंड? आज पहला दिन था, इसलिए लोगों की जानकारी कम थी, इसलिए करीब 10 मरीजों का आज अल्ट्रासाउंड हुआ है। अल्ट्रासाउंड मशीन खोलने का समय कैसे क्या था? वही 8 से 2 रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।